हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सोमैटो रोड का रीडिंग। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कि दीपावली पर माँ लक्ष्मी की कैसे पूजा करें जिससे पूरी साल हमारे घर में धन्य धान की वर्षा होती रहे और हमारे घर में खुशियाँ सुख वैभव आता रहे। तो कैसे करनी है माँ लक्ष्मी की पूजा, मैं कुछ छोटे छोटे टिप्स आपको देती हूँ, तो आपको जो है वो जब आप पूजा करने बैठेंगे तो आपके लिए ईजी हो जाएगा। सबसे पहला जो आपको करना क्या है कि माँ लक्ष्मी की पूजा के लिए जिस दिन दीपावली है उस दिन उस सूर्योदय से पहले दूसरे दिन सूर्य उदय तक आपको अखंड दीपक जलाना है। मतलब दीपक जलाइए शुद्ध देसी घी का और उसको जलता रहने दीजिए। सूर्योदय से पहले जलाएं, ध्यान रखें, और सूर्य उदय तक, नेक्स्ट डे सूर्य उदय तक जो है वो दीपक, अखंड दीपक जो है वो जलता रहना चाहिए। और ओम कमलाय नमः इस मंत्र का आपको जाप करना है। 41 माला आप इसकी जाप कर सकते हैं, बहुत बढ़िया रहेगा। और इससे अधिक आप करना चाहें तो आप 51 या 101 मांग कर आप उसको कर सकते हैं। दूसरी चीज़, माँ लक्ष्मी को कमल का फूल बहुत प्रिय है, बहुत पसंद है माँ को कमल का फूल। तो दीपावली के दिन आप कमल का जो फूल है, कमल का जो पुष्प है, माँ को अर्पित करें। लाल चोला जो है वो माँ को, चुनरी जो है वो माँ को अर्पित करें। श्रृंगार का सामान आप माँ को अर्पित कर सकते हैं। मीठा बहुत पसंद है माँ को, तो मीठे से आप भोग लगाएं। आप खीर बना सकते हैं, घर में खीर बनवाकर आप भोग लगा सकते हैं, या फिर कोई पीली मिठाई आप जो है वो भोग में लगा सकते हैं। एंड बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस से, पॉजिटिविटी से आपको दीपावली मनानी है। मतलब जो भी आप करें, जो भी पूजा पाठ करें, बहुत शुद्ध मन से करें। अपने मन में बिल्कुल भी किसी भी बात को लेकर निराश ना हो, टेंशन ना हो, क्योंकि माँ लक्ष्मी हमारी यूनिवर्स ईश्वर जो है वो सब हम अपने जो हाथ है ना, हम आशीर्वाद है वो हमारे ऊपर रखे हुए। तो किसी चीज़ की टेंशन ना करते हुए खुशियों से इस त्यौहार को मनाएं। एंड हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू।